हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे 2023 का पार्ट सी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और क्वेश्चन। जिस तरह से मैं कुछ वीडियोस को पहले डाल चुका हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सोल्यूशन को डाल रहा हूँ, तो इस तरह से कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कैसे अटेम्प्ट लेना है, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन मैं एनालाइज किया हूँ तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस एक्सपेंशन से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, सीरीज एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेसिडुअल थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हो कि 30 से 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में, तो आप 8 क्वेश्चन मान ले पूछा गया है, तो 5 से 4 क्वेश्चन जरूर करेंगे, तो आपसे 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैसे करना है। लेट डी, डी क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेस देन 1, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिस्क गिवेन है। बी द यूनिट डिस्क, सी द पॉजिटिव ओरिएंटेड बाउंड्री, पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री है, कह सकते हो कि यूनिट डिस्क का बाउंड्री है ये, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। फिक्स ए फाइनाइट सेट Z1, Z2, Zn, क्या है सबसेट है किसका, जो यूनिट डिस्क है उसको अंदर कोई एलिमेंट का कलेक्शन है, फाइनाइट एलिमेंट का कलेक्शन है Z1, Z2, Zn, डिस्टिंक्ट है और सारा डिस्टिंक्ट है, सारा डिफरेंट डिफरेंट है। कंसीडर एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल हो जाएगा ना, जी जेड इज इक्वल टू Z-Z1, Z-Z2, Z-Zn, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, जहाँ पे Z1, Z2, Zn तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो जेड वेरिएबल है यहाँ पे, तो जेड एन बार मल्टीप्लाई होगा, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ Z1, Z2, n एलिमेंट है ना, ऑफ डिग्री n। एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, एक अदर कोई फंक्शन गया है होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन है ना, तो ये गिवन है ऑन होलोमॉर्फिक कहाँ पे है, ओपन नेबरहुड ऑफ डी क्लोजर, ओपन नेबरहुड ऑफ डी क्लोजर मतलब डी क्लोजर जो होगा उसके जितने भी सबसेट ओपन सबसेट होंगे सब में वो क्या है, होलोमॉर्फिक है। इसका मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें होलोमॉर्फिक है वो क्या है, ओपन यूनिट डिस्क में ये होलोमॉर्फिक है, ठीक है। एंड डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन किया है PZ, PZ इस तरह से लिया है, PZ जो है आप देख सकते हो कि इस तरह से आपका रेसिड्यू इंटीग्रल, इंटीग्रल निकालना के लिए दिया जाता है, रेसिड्यू का निकाल के, रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं, तो उसी से कनेक्टेड होगा, अगर इस तरह से दिया हुआ तो उसी से कनेक्टेड होगा। देखते हैं आगे, PZ इज इक्वल टू 1/2π है ना, PZ का वैल्यू 1/2π इंटू दिस इंटीग्रेशन दे दिया है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे और 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन होगा, अगर डिनोमिनेटर में जीरोस मिल रहे हैं इसका मतलब पोल मिल रहा है इस गिवन फंक्शन के लिए, इंटीग्रांड के लिए, जो भी अंदर में फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए रेसिड्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो मिलेगा भी, क्यों आते हैं, तो पूछ रहा है फिर जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर, क्यों होगा, क्योंकि आप देखो कि ZZ का यूज किया है, ZZ का यूज किया है डिनोमिनेटर में है ना, और जाई एक नंबर एलिमेंट कुछ भी नोटेशन है, जाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे जी जाई लिया है, जी जाई नीचे में लिया है, तो जाई का वैल्यू क्या होगा, ताकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, वहां पे इस गिवन फंक्शन के लिए पोल मिलेगा, पोल मिलेगा तो रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू निकाल के फिर इसका रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारा PZ का वैल्यू निकलेगा। अब देखो कि पोल कहाँ पे मिलेगा, जाई माइनस जेड, तो जाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो फंक्शन जेड का आएगा ना, जाई और जेड वेरिएबल है और जाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये जाई के जगह पे हम लोग कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं जाई के रिस्पेक्ट में, तो जेड का फंक्शन तो आएगा, इसलिए PZ गिवन है, तो जाई माइनस जी जेड, जी जाई करेंगे तो क्या आएगा, जाई माइनस Z1, जाई माइनस Z2 इस टाइप का आएगा, और जी जेड रहेगा ही रहेगा, तो जाई माइनस Z1, जाई माइनस जाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो ये Z1, Z2 ये कांस्टेंट आ जाएगा है ना, तो यहाँ से मतलब है नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। जाई माइनस जेड, तो जाई माइनस जेड क्या है, ठीक है इसको देखते हैं, उसके बाद जी जाई जी गिवेन है, जी जाई क्या होगा, जाई माइनस Z1, जाई माइनस Z2 इस तरह से जाई माइनस जेड आना आएगा, यहाँ पे क्या होगा, जी जेड गिवेन है, जेड माइनस Z1, जेड माइनस Z2 डॉट जेड माइनस जेड एन गिवेन, तो जाई जेड का वैल्यू जाई जी जाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ठीक है मान लिया ऐसे जाई है, तो जाई माइनस Z1, जाई माइनस Z2
डॉट 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 जाई माइनस जेड एन। तो डिनोमिनेटर 0 कब आएगा, वहां पे सिंपल पोल मिलेगा, यानी जाई इज इक्वल टू जेड वन पे, है ना। जी जेड अगर ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो अगर जी जाई निकाले तो ये आ गया। अब जाई इक्वल टू जेड वन लेंगे तो जी जेड का 0 आ जाएगा, जी जेड डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, इसका मतलब इसके चलते फंक्शन में क्या आएगा, पोल आ जाएगा। तो जाई इज इक्वल टू जेड वन जेड टू जेड एन पे क्या मिलेगा, हमें पोल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया फंक्शन के लिए पोल। तो इस ये क्यों कर रहे हैं, पोल निकालेंगे तभी तो उस पॉइंट पे हम इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब उस रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन 2π इंटू रेसिड्यू करेंगे तो pz का वैल्यू आएगा, क्योंकि pz में ऑप्शन पूछा है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या पूछा है। p जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन होगा, p जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन होगा, p इज रेशनल फंक्शन ऑन सी विद पोल्स, p जो है रेशनल फंक्शन आएगा, पोल इसका जेड वन जेड टू जेड जेड एन आएगा। ठीक है, पी जेड जे इज इक्वल टू एफ जेड जे होगा, यानी एफ जो है यानी पी जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड वन होगा, पी जेड टू इज इक्वल टू एफ जेड टू होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें रेसिड्यू, तो रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जेड वन, एक पे फाइंड आउट करते हैं तो और दूसरे पे आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो रेसिड्यू अगर फाइंड करना हो तो डिनोमिनेटर में एक जीरो हो रहा है तो सिंपल पोल है, सिंपल पोल पे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, जेड माइनस जाई माइनस जेड जाई, इसको मिटा देते हैं हम, क्या करते हैं रेसिड्यू एट जाई इज इक्वल टू जेड वन पे निकालना है, तो जाई माइनस जेड वन इंटू दिस करेंगे, है ना, एफ जाई, जी जाई क्या हो जाएगा, जी जाई ही रहने देते हैं इसको अभी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अलग से, रेसिड्यू एट जाई इज इक्वल टू जेड वन, जेड वन में सिंपल पोल है तो रेसिड्यू एट जाई इज इक्वल टू जेड वन निकालेंगे, क्या आएगा, जेड माइनस जाई माइनस जेड वन इंटू, जी जाई क्या हो जाएगा, जाई माइनस जेड वन इंटू जाई माइनस जेड टू, इस तरह से जाई माइनस जेड एन माइनस जी जेड, जी जेड क्या होगा, रहने देते हैं उसको, जी जेड क्या हो जाएगा, जी जेड को जी जेड लिख देते हैं, जेड माइनस जेड वन डॉट डॉट जेड माइनस जेड एन, जाई माइनस जे जेड। अब जी जाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं जाई माइनस जेड वन, तो यहां से कुछ कैंसिल राइट होगा, जाई माइनस जेड टू, जस्ट इसमें सिंबल ज्यादा है तो इससे गड़बड़ाना नहीं है, तो जाई माइनस जेड वन से जाई माइनस जेड वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहां से जाई माइनस जेड वन, अब क्या करेंगे, अब जाई के जगह पे जेड वन पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आएगा, जाई माइनस जेड वन, है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी सब जगह क्या पुट करते हैं, जाई इज इक्वल टू जेड वन पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू 0 आ गया, 0 माइनस जाई के जगह जेड वन, तो जेड वन माइनस जेड वन आएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो जेड माइनस जेड वन, ये जेड माइनस जेड टू डॉट 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 जेड माइनस जेड एन अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, जाएगा जेड वन माइनस जेड, बचा इधर क्या, जेड वन माइनस जेड टू डॉट 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 जेड वन माइनस जेड एन। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, जेड वन माइनस जेड और जेड माइनस जेड वन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, ये सब चीजें क्या हो, और साथ में एफ जाई भी है ना, एफ जाई इज इक्वल टू एफ जेड वन हो गया, साथ में सब जगह एफ जाई भी होगा ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एफ जाई लिख देते हैं, तो यहाँ पे एफ जाई मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है,
जाई का नोटेशन ऐसा है कुछ। तो यहां से क्या हो गया, ये सारे टर्म क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे है ना। जेड वन जेड टू तो फिक्स पॉइंट है, तो कांस्टेंट हो जाएंगे। एफ जाई एनालिटिक फंक्शन, तो एफ जाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सारे कांस्टेंट आएंगे, बचे क्या, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड थ्री, जेड माइनस जेड एन। तो एन डिग्री, एन एक डिग्री तो कैंसिल आउट हो गया, तो एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल बच रहा है। तो पी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ये सारे कांस्टेंट हो गए, एफ जाई और दिस कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट इनटू एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल कितना होगा, एन माइनस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो टू क्या होगा, करेक्ट होगा, वन क्या होगा, रॉन्ग होगा। पी में रेशनल फंक्शन होगा और जिसका पोल होगा जेड वन माइनस जेड टू। पी जेड में क्या, डिनोटर में जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड थ्री आ रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, और सारा डिस्टिंक्ट है, जीरो तो हो नहीं रहा है, ऐसे रहता है जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू बचता, तब तो बोलते हैं रेशनल फंक्शन होता नीचे में, क्योंकि पॉलिनोमियल बचता और पोल भी होता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब पी जेड वन निकालना है, तो पी जेड वन अगर निकालते हैं हम तो क्या होगा, पी जेड वन एफ जाई था, एफ जेड वन हो जाएगा वहां पे है ना। पी जेड इज इक्वल टू, पी जेड वन निकालना है, तो पी जेड वन के जगह पे ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग रेसिड्यू कहाँ पे निकालें, जेड इज इक्वल टू जेड वन पे, इसी तरह जेड इज इक्वल टू जेड टू पे निकालेंगे, तो ए माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे तो ए माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और टू पाई इन टू रेसिड्यू करेंगे तो टू पाई आई से टू पाई आई कैंसिल हो जाएगा ना। तो ओवरऑल इसका पी जेड का वैल्यू क्या होता, पी जेड का वैल्यू टू पाई आई इंटू टू पाई आई जाई का एफ जेड वन इंटू क्या होगा, जेड माइनस जेड जेड वन जेड माइनस जेड टू डॉट 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 जेड माइनस जेड एन अपॉन में नीचे में क्या आएगा, जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड थ्री, ये कांस्टेंट आएगा, फिर प्लस होगा, फिर एफ जेड टू आएगा, फिर दिस आएगा है ना, फिर एन डिग्री का पॉलिनोमियल डॉट 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 एफ जेड एन आएगा, फिर एन डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ये सब एन डी एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो हो गया पी जेड का वैल्यू। पी जेड वन निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले टर्म में जेड के जगह जेड वन पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ जेड वन यहाँ पे जेड के जगह जेड वन पुट कर दें तो जेड वन माइनस जेड टू, इससे क्या होगा, ऊपर में कुछ टर्म आएगा, नीचे में कुछ टर्म आएगा, ऊपर में क्या आएगा, जेड वन माइनस जेड टू डॉट डॉट जेड वन माइनस जेड एन आएगा है ना, टू से स्टार्ट हुआ एन, और नीचे में भी क्या आ जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू और ये सारे कम कट जाएगा। तो पी जेड वन क्या आ गया, एफ जेड वन के बराबर आ गया। तो फोर ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगर अगर और आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो सेकेंड में क्या होगा, पी जेड टू निकालेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म नॉन जीरो बचेगा, वही सारे जेड टू ये सारे चीज बचेंगे ऊपर नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट आ रहा था जेड टू पुट कर देने, तो ऊपर वाला भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ जेड टू बचेगा, करस्पॉन्डिंग जाए इक्वल टू जेड टू हो जाएगा, फिर पुट करेंगे है ना, क्योंकि एफ जेड टू वाला टर्म बचेगा उसके बाद। जैसे ही जाए इक्वल टू जेड टू पुट करेंगे तो एफ जेड टू जिसका कॉफिशेंट है वो वाला टर्म बचेगा है ना, और ऊपर नीचे सारे जीरो, अगल बगल वाले सारे एडिशन वाले जीरो हो जाएंगे, बचेगा, और एफ जेड टू का जो टर्म कॉफिशेंट होगा वो सारे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन कैसा था, कि दिख गया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ज्यादा डाल दिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एग्जाम हॉल में आपको इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा शांत दिमाग से करना है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन को कि हाँ
रेसिड्यू निकालने हैं, रेसिड्यू निकाल के फ्रेश पेज में करेंगे तो दिख जाएगा आपको आंसर कौन कौन सा करेक्ट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।